देख रहे जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आगरा के ताजमहल में घुसे दो युवकों ने मकबरे के अंदर जाकर कथित तौर पर जलाभिषेक कर दिया। इसके बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताजमहल के अंदर कथित तौर पर जल चढ़ाने की जिम्मेदारी हिंदू महासभा ने ली। वैसे ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि ताजमहल में हिंदू संगठनों के द्वारा जल चढ़ाया गया और उसे ताजमहल की जगह तेजो महालय का दावा किया गया। इससे पहले एक महिला कांवड़ लेकर पहुंची थी और ताजमहल के अंदर जलाभिषेक की जिद की। हालांकि उससे पहले ही सुरक्षा में तैनात जवानों ने महिला को रोक लिया, लेकिन अब बोतल में जल लेकर ताजमहल के अंदर जिस तरीके से जल चढ़ाया गया है, उससे सुरक्षा को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सावन के महीने में ताजमहल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कभी किसी को सपने में शिव आते हैं तो वो कांवड़ लेकर पहुंच जाता है, जलाभिषेक की जिद करता है और अब तो एक नया वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिससे ताजमहल और तेजो महालय की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल एक हिंदू संगठन के दो युवकों ने कथित तौर पर ताजमहल के अंदर जलाभिषेक किया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक ताजमहल के अंदर पहुंचा है, उसके हाथ में पानी की बोतल है। कथित तौर पर इसी बोतल में गंगा जल है। युवक के एक हाथ में पानी की बोतल थी और उसके साथ मौजूद दूसरा युवक वीडियो बना रहा था। मुख्य मकबरे में कब्रों वाले कक्ष में पहुंचने से पहले युवक तहखाने के दरवाजे पर रुक गया। यहां उसने बोतल में भरे गंगा जल से अभिषेक किया। युवक को ऐसा करते और वीडियो बनाते हुए देखने पर CISF के जवानों ने दोनों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को सौंप दिया गया है। दरअसल हिंदूवादी संगठन ताजमहल को शिव मंदिर तेजो महालय मानते हैं, इसे लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन हैं। इससे पहले एक महिला कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंची थी और शिव के आदेश पर ताजमहल के अंदर जलाभिषेक की जिद पर अड़ी थी। ताजमहल में जलाभिषेक की जिम्मेदारी कथित तौर पर हिंदू महासभा ने ली है और जब से जलाभिषेक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उससे न सिर्फ ताजमहल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि ताजमहल के तेजो महालय के दावे को भी हवा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।